नमस्कार, खबर ओडिशा को स्वागत करुछि मु रामचंद्र। प्रथमे देखि नेबा हेडलाइंस। नवरंगपुर कोरापुट गस्तरे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कले विभिन्न प्रकल्पर शुभ उद्घाटन। जागा मिशन नारे भूमिहीनंकु कले पट्टा बंटन। खोर्धा चंडेश्वरे कुहुड़ी निजीगड़ रास्तारे सड़क दुर्घटना। भारसाम्य हरई गछरे पिटिहला बाइक, दुई मृत। घटनार कारण खोजुछि पुलिस। बालेश्वर अनंतपुर फांजी बेलपुर गांव चांचल्य। जमीवाड़ी विवाद को केन्द्र कर दुई गोष्ठी मध्य संघर्ष। सात आहत डाक्तरखाना भर्ती। पाटनागड़ उपजिलापा कार्यालय सम्मुखें गणधरणा। मदभाटी बंद दावी आंदोलन को ओह्लैले शताधिक महिला। मुख्यमंत्री उद्देश्य उपजिलापा दे छदफा दावीपत्र। बहुचर्चित सेल्फी बेबो हत्या घटना। प्रतिश्रुति पर अनशन ओहरिले शिवराम परिवार। सीबीआई तदंत जिलापा दावीपत्र प्रदान। एवं मयूरभंज सियाड़ नई बस्ती अग्निकाण्ड। 27 घर सह विभिन्न आसबावपत्र पोड़ी पाउंश। क्षतिग्रस्त परिवार को सरकारी सहायता दावी। वर्तमान देखिबा संपूर्ण खबर। नवीन पटनायकंक फोकस रे दक्षिण ओडिशा। कोरापुट जिला जयपुर रे बीजेडी रो युव समावेश रे जोगदे उद्बोधन देछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। 2000 कोटी टंका व्ययरे 125 प्रकल्पर शुभ उद्घाटन करिछंती मुख्यमंत्री। एही समावेश रे 5000 ऊर्ध युवकंक समागम होइथिला। सेपटे नवरंगपुर उमरकोट रे आयोजित कार्यक्रम रे नवीन जोगदे सुविधा योजना रे 1097 कोटी टंकार व्ययरे 4 मेगा पानी जल प्रकल्प सह 16 प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिछन्ते। एही कार्यक्रम रे विशाल जनसमागम देखिबाकु मिलिथिला। No one from the TMC has been in touch with us for at least a year. And our party statement yesterday had to do with events in our own state. We, like everyone else, would like the CBI to do a professional and non-political job. खोर्धा जिला टांगी थाना चंडेश्वर कुहुड़ी निजीगड़ रास्तारे बाइक दुर्घटनाग्रस्त। एहि दुर्घटनारे दुई जणकर मृत्यु होइथिबा जणापड़िछि। सूचना अनुसार गतकाली विलंबित रातिरे 2 बाइक जोगे 4 जण युवक द्रुत गतिरे जाउथिबा समयरे एक बाइक भारसाम्य हरई गछरे पिटी होइथिला। फळरे दुई जण रास्ता कडकु छिटिकी पड़िथिबा बेले अन्य दुई जण बाइक आरोही भयरे घटनास्थलरु फेरार होइजाइथिले। स्थानीय लोके एनेइ अग्निशम विभागकु खबर देबा परे घटनास्थलरे अग्निशम विभाग पहुँचि दुई जण गुरुतरंकु टांगी मेडिकालरे भर्ती करिथिले। हेले डाक्तर सेठारे दुई जणंकु मृत घोषणा करिथिले। मृतकंक परिचय मिली नथिबा बेले पुलिस पहुंची मृतदेह को जबत करिबा सह व्यवच्छेद पई पठाई एक अपमृत्यु मामला रुजु करिछि। जमीवाड़ी विवाद को केन्द्र कर दुई गोष्ठी मध्य संघर्ष। एभली घटना घटी बालेश्वर जिला सोर थाना अंतर्गत अनंतपुर फांडी बेलपुर गांव। गंडगोल में 7 जण आहत होती। समस्त आहत को सोर डाक्तखाना भर्ती करा बेले दुई गुरुतर को बालेश्वर मेडिकल को स्थानांतर कर सोर पुलिस घटनास्थल में पहुंची तदंत कर। पुणी माओवादी लंका कांड। कंधमाल जिला बेलघर थाना झिरी पाणी माओवादी माने बर्बर कांड भियाई। दास कंस्ट्रक्शन नामक एक ठिका संस्थार अनेक गाड़ी माओवादी माने पोड़ी जमापड़ी। तेबे एही ग्रुप्रे 10 अधिक सशस्त्र माओवादी थिबा जमापड़ा बेले सेमाने गतकाली मध्यरात्रि आसीथिबा सूचना मिली। जिला मान्यता दाबी रे 12 घंटिया टीटिलागड़ बद। बलांगीर जिला टीटिलागड़ को जिला मान्यता दाबी रे आज को 97 दिन बीती जाइथिबा बेले जिला क्रियानुष्ठान कमिटी पक्षर एक बंद पालन करा जाइथिला। एही बंद पालन रे सहरर समस्त सरकारी कार्यालय कोर्ट कचेरी सह दुकान बजार बंद रहिथिला। सूचना अनुसार स्थानीय विधायकांक जरिया रे क्रियानुष्ठान कमिटीर सदस्य मुख्यमंत्री को जिला दाबी जणाइथिबा बेले मुख्यमंत्री जिला गठन पई प्रतिश्रुति देथिले। हेले वर्तमान सुधा कोनोसी कार्यकारी होइ नथिबारु एही बंद डाकरा दिया जाइथिबा कमिटीर सभापति कृष्णचंद्र साहू प्रकाश करिछन्ते।
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ଜୁରିଆ ରାସ୍ତାରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ଉ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଟ୍ରକ୍ ସହ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଖଇର କାଠ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଟଣାଗଡ଼ ରେଞ୍ଜ ଖପ୍ରାଖୋଲ ଜୁରିଆ ରାସ୍ତା ଭଟଲି ଛକ ନିକଟରୁ ଏକ କାଠ ବୋଝେଇ ମିନିଟକୁ ବନ ବିଭାଗ ଜବତ କରିଛି। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଏଫ୍ଓ ସମୀର ଶତପଥୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପାଟଣାଗଡ଼ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଖପ୍ରାଖୋଲ ଜୁରିଆ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଖଇର କାଠ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପାଟଣାଗଡ଼ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ବାସୁଦେବ ନାଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜବତ କାଠର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚପିଢ଼ ଛପଖଣ୍ଡ ନିଆଳ ନଈ ବସ୍ତିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 27ଟି ଘର ସହ ବିଭିନ୍ନ ଆସବାବପତ୍ର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସରୁ 7 ମାସ ହେଲା ଏହି ବସ୍ତି ଆସି ଅନ୍ୟତ୍ର ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାୟୀ ସୁବିଧା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ସେପଟେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବସ୍ତିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ନିଆଁ ଲାଗି 16ଟି ଘରର ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ସୁବିଧା ନ କରନ୍ତି ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଭିଟା ମାଟିକୁ ଫେରିଯିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତିଛନ୍ତି ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟେରା। ଲୁଟେରାମାନେ ଧର୍ମଗଡ଼ ସହରର ଚାରିଛକରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଲୁଟେରାମାନେ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ କାଟି ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଲଦି ଫେରାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏଟିଏମ୍ରେ ଥିବା କେତେ ଟଙ୍କା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପି ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସଫଳତା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସିମୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ମାରୁତି ଭ୍ୟାନ୍ ସହ 400 ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱର ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ କୁଳମଣି ମହାରଣାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ରାତିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚୋରା ମଦ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ମାରୁତି ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଜବତ କରିଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ଥିବା ବେଳେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଘଟଣାର ଛାନ୍ଭିନ୍ କରୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାହାଡ଼ ଗାଁର କରତକଳ ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ବନ ବିଭାଗର ଚଢ଼ଉ। ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି କରତକଳ ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଓ ବନ ବିଭାଗ ଚଢ଼ଉ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କାଠ ଓ କରତକଳ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଜବତ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାୟ 26ରୁ ଅଧିକ ବେଆଇନ କରତକଳ ଥିବାବେଳେ ବନ ବିଭାଗର ନିରବତା ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଖବର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସେଲ୍ଫି ବେବୋ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସିମ୍ରନ୍ ସିଂଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଅନଶନରୁ ଓହରିଛନ୍ତି ସିମ୍ରନ୍ଙ୍କ ପରିବାର। 3 ଦିନ ଧରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନଶନରେ ବସିବା ପରେ ଆଜି ଟାଉନ୍ ଥାନା ଆଇଆଇସି ସାବିତ୍ରୀ ବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଖାକରି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ମାସ 3 ତାରିଖରେ ବୁର୍ଲା ନିକଟରେ ଏକ ବ୍ରିଜ୍ ତଳୁ ସିମ୍ରନ୍ଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରୁକୁସୁନା ଘରେ ଲଟକା ମାରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନଥିବାରୁ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲେ ବେବଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। अगराम से हम बैठे थे, मेरी बेटी सिमरन सेल्फी बेबो का हत्या करके ब्रिज के नीचे रख दिया गया था संबलपुर, और प्रशासनिक कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोग भूख हड़ताल में बैठे थे। वो तो बहुत पहले से कह रहे थे उठ जाओ, क्योंकि हम लोग नहीं उठ रहे थे, लेकिन बाद में कलेक्टर साहब आश्वासन दिए कि नहीं आपका काम किया जाएगा, अच्छा जाँच किया जाएगा, आर्थिक सहायता किया जाएगा। मदभाटी बंद
दाबी रे पाटनागढ़ उपजिल्लापालक कार्यालय सम्मुखरे धारणा दिया जाइछि। पाटनागढ़ आदिवासी संघ तरफ शताधिक महिला एक गणधारणा देइथिबा जणा पड़िछि। संघर शताधिक महिला और पुरुष स्थानीय हाटपदा ठारु एक शोभायात्रा रे बाहरी सरकार और प्रशासन विरुद्ध स्लोगान दे स्थानीय कचेरी छक गणधारणा देइथिले। सेपटे गिरी धारिस भोईंक नेतृत्व में शताधिक आदिवासी निशामुक्त नारी निर्यातना बंद घोषणा सह मुख्यमंत्री उद्देश्य उपजिल्लापालक छह दफा दाबीपत्र प्रदान करिछन्ते। एथिरे धवलेश्वर भई चंद्रमणि बरिहां समेत शताधिक महिला और पुरुष जोग देते। कालिया टंका न मिलिबारु बैंक रे चासिंग को हो हल्ला। तेबे कालिया योजना रे टंका चासिंग को अकाउंट को आसीथिबा बेले बारंबार बैंक को जाई निराश होउछंती चासी। लिंक फेल कही चासिंग को फेरै देउछंती बैंक कर्तृपक्ष। एने कटक जिला बांकी अंतर्गत कलापथर समवाय बैंक शाखे देखादेई तीव्र उत्तेजना। सेपटे अन्य बैंक कालिया टंका चासिंग को देउथिबा बेले समवाय बैंक चासिंग को फेरै देबा साधारण रे प्रश्न होछि। नयागढ़ जिल्लापालक ऑफिस रे पुलिस और आंदोलनकारी मुहांमुही। तेज स्थानीय लक्ष्मीप्रसाद पंचायतर विभिन्न समस्या और पंचायत को सरकार अणदेखा करने अभियोग को नहीं जिल्लापाल ऑफिस को धसई पशिवा को उद्यम करते आंदोलनकारी। एने आंदोलनकारी जिल्लापालक ऑफिस सम्मुखें आंदोलन करुवा बेले पुलिस से अटकईवाक चेष्टा कर मात्र आंदोलनकारी पलटा पुलिस उपर आक्रमण करते फल घटना एड़ाइवाक जा पुलिस पक्षर् लाठीचार्ज कर अंपटे आंदोलनकारी पुलिस गिरफ्त करवा बेले आंदोलन कारी माने एवं अन्य पुलिस उभय पक्ष को चारि जण सामान्य आहत होती। पाल्लहड़ा विकास मंच पक्षर् उपजिल्लापालक कार्यालय सम्मुखें विक्षोभ कर आवाहक मनोज कुमार साहू नेतृत्व में आठ दफा दाबी नहीं विक्षोभ कर एने 3000 ऊर्ध श्रमिक एक विशाल रैली में पाल्लहड़ा स्टेडियम ठारु बाहरी सहर परिक्रमा करते यहाँ उपजिल्लापालक कार्यालय सम्मुखें विक्षोभ प्रदर्शन करते मुख्यमंत्री उद्देश्य उपजिल्लापाल अजित कुमार प्रधान को एक दाबीपत्र प्रदान करते। आठगड़ आरती स्टील प्लांट भितरे थिबा घंटी खाल प्लांटिंग उद्घाटित होइछि। तेबे आठगड़ विधायक रणेन्द्र प्रताप स्वाई यहाँ उद्घाटन करथिबा बेले एही सरकारी फांडीटी 15 वर्ष धरि आरती कंपनी मध्ये थिबारु साधारण लोके न्याय पाइपारुथिबारु वंचित होइथिले। तेबे 2013 मसेरे आठगड़ वरिष्ठ सांबादिक ललाटिंडु सेनापति ए संपर्क में हाइकोर्ट फांडी को कंपनी विरुद्ध उठाइबा एक जनस्वार्थ मामला रुजु करथिले। सेहिपरि 2013 मसेरे गृह विभाग एक वर्ष मध्ये कंपनी भितरु फांडी उठाइबा हाइकोर्ट को जणाइथिले। तेबे 6 वर्ष पर यह सफल होइछि। चारोटी पंचायतर हजार हजार लोक एहा द्वारा उपकृत हेबे। उद्धार हेला कलरा पतरिया बाघर मृतदेह। टीटलागड़ बलांगीर रास्ता बड़माल बारुखाना अंचल एक कलरा पतरिया बाघ मरीथिबा देखिबा को मिलिछि। तेबे किछि दिन तले एही अंचल एक बाघ बुलुथिबा वीडियो सोशल मीडिया रे भाइराल होइथिबा बेले स्थानीय अंचल वन विभाग अधिकारी एहाकु एक कहानी बोली सफाई देथिले। किंतु आज सकाळे बाघर मृत्यु खबर प्रकट हबा परे वन विभाग डीएफओ घटनास्थल में पहुंचीथिबा बेले बाघर मृत्युर कारण एपर्यंत जणा पड़िनाहे। तेबे तदंत परे घटनार सत्यासत्य सामनाकु आसिबो बोली कहिछन्ति डीएफओ। खबर ओडिशा रे समय होइछि आउ एक ब्रेक रो। ब्रेक परे देखिबा आउ किछि खबर। ब्रेक परे पुणि थरे स्वागत। कटक महानदी विहार नूतन विद्युत सबस्टेसन उद्घाटित हो जाए। प्राय 10,67,00,000 टंका व्यय निर्मित यह सबस्टेसन को राज्य खणि और इस्पात मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक उद्घाटन करथिबा बेले स्थानीय लोकंकु विद्युत समस्यार सम्मुखीन होबाकु पड़िबो नाही बोली कटक चौद्वार विधायक प्रभात रंजन विश्वाल कहिछन्ते। तेबे महानदी विहार शिखरपुर गंडरपुर चाउड़ियागंज विद्याधरपुर आदि अंचल लोके एहाद्वारा उपकृत हेबे। विज्ञापित अंचल परिषद आनुकूल्य नयागढ़ स्थित विजु कल्याण मंडप ठारे जागा मिशन कार्यक्रम अनुष्ठित होइछि। एही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव जिल्लापाल डॉक्टर एन तिरुमला नायक जोगदे भूमिहीन गरीब लोकंकु पट्टा बंटन करथिले। एथिरे एनएससी निर्वाही अधिकारी पूर्वतन चेयरमैन समेत बहु मान्यगण्य व्यक्ति जोगदे।
कटक नेताजी नगर पंचमुखी हनुमान मंदिर पड़िया परिसर में संस्कृत एवं कला परिषद राज्य कार्यकारिणी बैठक अनुष्ठित होई छि। बैठक में 314 ब्लॉगरु कलाकार संघर सभापति संपादक को डकाजाइ सेमानंकर कलाकार भत्ता एवं अन्यान्य असुविधा विषय आलोचना करा जाइथिला। एथिरे मुख्य अतिथि भाव संघर आवाहक कटक चौद्वार विधायक प्रभात रंजन विश्वाल कटक महानगर निगम मेयर मीनाक्षी बेहरा समेत बहु मान्यगण्य व्यक्ति जोग देते। एने आगामी दिन में समस्त कलाकार को मुख्यमंत्री दृष्टि आकर्षण करिबा पई कटक विधायक मतव्यक्त करिसेंते। डका जाइछि एठी आलोचना करा जीव आजि जे प्रथमे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को कृतज्ञता संघ जणाउछि जे मुख्यमंत्री कलाकार योजना करि कलाकार मानन को जो भत्ता दिया जाइछि से संपर्क रे आलोचना करा जीव। मान्यवर मुख्यमंत्री महोदय को गोटे दिन डक जाए अंत संघ पक्षर संबर्धना हो संपर्क आज आलोचना होड़शार 30 जिलूर 314 ब्लक रु प्रेसीडेट सेक्रेटरी मान को डकई एटा प्रस्तुति बैठक आलोचना चक्र एटा कार्यकारिणी बैठक एवं ये आज आम प्रभात भाई दीर्घ 30 वर्ष संगठन में जड़ित जो दायित्व निभेबार कथा आज गुरु दायित्व आम गत मीटिंग दे दीचु राज्य आवाहक दायित्व दि जाइए। कटक जिला चौद्वार बाघुआ भुईया पड़िया नवनिर्मित डाक बंगलार नूतन गृहर शुभ उद्घाटन कार्यक्रम कार्यक्रम में खणि और इस्पात मंत्री प्रफुल्ल कुमार मल्लिक और कटक चौद्वार विधायक प्रभात रंजन विश्वाल जोग देते। यहसह मुंडापड़ा चारिघरिया कंक्रीट रास्तार उद्घाटन करते। उक्त कार्यक्रम में युव सभापति विष्णुचरण पड़ा नगर सभापति प्रेमचंद नायक अर्जुन पंडा प्रमुख उपस्थित थे। तालचेर खणी खादान क्षतिग्रस्त प्रजासंघ पक्षर जीव अधिकार सचेतनता शोभायात्रा अनुष्ठित हो जाएगी। संघर सभापति मनोज कुमार प्रधान नेतृत्व में छदफा दावी नहीं यह शोभायात्रा अनुष्ठित होने माँ हिंगुला मंदिर ठारु एक विशाल शोभायात्रा बाहरी एवं विभिन्न गाँ परिक्रमा कर तालचेर टाउन जगन्नाथ मंदिर सम्मुखें पहुंची। शोभायात्रा संघर पक्षर छदफा दावी पूरण निमंते स्लोगान दि जाता प्रदूषण कमाइबा 10,000 बेकार युवकों कार्य निजुक्ति दिजा तालचेर विकास वार्षिक 500 कोटी सहायता दाबी छदफा सम्मिलित एक स्मारक पत्र प्रशासन को प्रदान करा तेबे दाबी पूरण नहले आगामी दिन में व्यापक आंदोलन हो चेतावनी देछि संघ। जगतसिंहपुर जिला एरसमा ब्लॉकर ओलरा सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय एक विदायकालीन भव्य संवर्धना सभा अनुष्ठित हो यहा राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त प्रधान शिक्षक निमाईचरण मल्लिक अवसर ग्रहण उपलक्षे आयोजन होता। प्रधान शिक्षक 50,000 टंका विद्यालय फंड को दान करते। उपलक्षे पुरातन छात्र संसद तरफ एक पुस्तिका पथ प्रदर्शक उन्मोचन कर सभार अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षक शिक्षयत्री और विद्यालय परिचा कमिटर सदस्य समेत बहु छात्र छात्री जोगदे। केन्दुझर घटगाँव में सप्तम वार्षिक त्रिपहरी ब्रह्म गोच्छेद महाजज्ञ अनुष्ठित हो माँ तारिणी पीठ से ही महाजज्ञ अनुष्ठित होता बेले एथिरे मुख्य परिचालक दयानिधि आचार्य जाजपुर पाणिकोईली गाँवर बाया बाबा प्रवर्तकों समेत अनेक साधुसंत उपस्थित थे। तेरे बिना मंत्र गुरु को मन मध्य जप जगतर कल्याण यज्ञ आयोजित करे तीन दिन धरी अनुष्ठित होता। जगार विश्वगुरु पगलवाया जगंकर जन्म होता ये चेतापहारी ब्रह्मगोचंद महाजज्ञ माँ तारिणी पीठ से पवित्र माघ मासर त्रिवेणी अमावास्या दिन ये कलश यात्रा ठार आरंभ हूँ तेणु मु यज्ञ को अनेक प्रारंभ रु आसुचे एवं यज्ञ अन्य यज्ञ अपेक्षा निरा ये ब्रह्म गोचंद चेतापहारी ब्रह्मगोचंद महाजज्ञ तेणु यही यज्ञ कलशाधिवास पूर्णाहुति अति चमत्कार सहित हुए। नवरंगपुर कोरापुट गस्तरे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कले विभिन्न प्रकल्पर शुभ उद्घाटन जागा मिशन नारे भूमिहीन को कले पटा बंटन। खोर्धा चंडेश्वर कुहुड़ी निजीगढ़ रास्तार सड़क दुर्घटना भारसाम्य हर गछरे पिटीला बाइक दुई मृत घटनार कारण खोजी पुलिस।
बालेश्वर अनंतपुर फांडी बेलपुर गांव में चांचल्य जमीबाड़ी विवाद को केन्द्र कर दुई गोष्ठी मध्य संघर्ष सात आहत डाक्तरखाना भर्ती। पाटनागड़ उपजिला कार्यालय सम्मुखे गणधरणा मदभाटी बंद दाबी आंदोलन को ओह्लैले शताधिक महिला मुख्यमंत्री उद्देश्य उपजिला दे छदफा दावीपत्र। बहुचर्चित सेल्फी बेबो हत्या घटना प्रतिश्रुति पर अनशन ओहरिले शिवराम परिवार सीबीआई तदंत जिलापा दावीपत्र प्रदान। एवं मयूरभ सियाल नई बस्ती अग्निकाण्ड 27 घर सह विभिन्न आसबावपत्र पोड़ी पाउंश क्षतिग्रस्त परिवार को सरकारी सहायता दावी। खबर ओडिशा को ये रखुच्छ अधिक खबर पर लॉगिन करेंगे आम वेबसाइट www.kamiaptv.in। नमस्कार।